पापा मैं बनाता हूँ। ये देखिए ये बैठा है मूसा, ये देखिए अभी ये चमचा पकड़ रहा है। हाँ तुम बनाओगे मूसा? क्या बना रहे हो हैं? ये सालन बना रहे हो? चलो बनाओ। मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे। जी तो आज का हमारा व्लॉग का आगाज़ हो रहा सुबह के 11 बजे, क्योंकि सुबह बहुत ही ठंड थी और धुंध थी, धुंध की वजह से बाहर नहीं निकले। तो अभी मैं लेकर आया था ये मुर्गी वाले चंबे, जिसे हम चंबे बोलते हैं, कोई तो पंजे बोलते हैं। पहले भी ये रेसिपी बनाई थी, लेकिन वो बनी बनाई दिखाई थी आपको, सालन तैयार था। अब इसमें हमने प्याज डाले हैं, लाल मिर्च डाली है, और ये सब कटे हुए पहले छिलका उतारा आग पर, फिर इनको धोए, धोकर फिर अब हम इनको बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी बनती है, आप भी एक बार अपने घर ट्राई करके देखें। ये चिकन से भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अभी हम ये बना रहे हैं रेसिपी, तो भी आज का व्लॉग इसी रेसिपी से हो रहा है शुरू। अब ये देखें, जैसे धूप निकली ना हल्की हल्की, तो बच्चे बाहर आ गए खेलने के लिए। मूसा क्या कर रहे हो? अच्छा मिट्टी बाल हूँ। और ये देखें ये खा रहा है, आए आए गंदा, अब ये मार दे। ये देखें ये हरकतें देखें इन दोनों की। मूसा जी तो पहले हमने नमक मिर्च डाली थी, और उसी वक्त हमने इनको आग के ऊपर रखा था। तो अभी हमने इसमें डाले हैं धनिया, सूखा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट अभी डाला है। और ये देखें अभी जज्ब होंगे 5-10 मिनट के बाद। मूसा बार बार तंग कर रहे हैं कि पापा मैं बनाता हूँ। ये देखिए ये बैठा है मूसा, ये देखिए अभी ये चमचा पकड़ रहा है। हाँ तुम बनाओगे मूसा? क्या बना रहे हो हैं? ये सालन बना रहे हो? चलो बनाओ। जी तो माशाल्लाह अभी हमारे चंबे बिल्कुल तैयार हो गए। और ये देखे सामने हरी मिर्च भी इसमें डाली हुई है। तो जो भी बहन और भाई खाना चाहे तो उसके लिए हाजिर हैं। तो अभी हम खाना कर रहे हैं शुरू, रोटी तैयार हो रही है, रोटी तैयार हो जाएगी तो फिर हम चंबे का सालन खाएंगे, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना है। बेरी है जो हमारे घर में माशाल्लाह, तो ये है हल्की हल्की धूप, बिल्कुल हल्की निकल रही है। ये देखे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कैट आई है, छोटी वाइट कलर में, तो ये अभी आई है, बच्चे खेलने के लिए भाग रहे हैं इसके साथ। मुबशर ये क्या कर रहे हो? ये देखो ये देखो कचरा है, कचरा छोड़ो। जी तो ये अभी मेरी भांजी हुस्ना जा रही है एकेडमी, क्योंकि ये हमारी छोटी मैडम है। बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं आलमा बनूंगी। आलमा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सोच है, ये कह रही है कि मैं आलमा बनूंगी हाफिज कुरान, और इंशाल्लाह ये आपको प्यारी प्यारी नातें जैसे सुनाती है। अभी ये जा रही है एकेडमी। जी तो ये देखें ये अभी कैट अभी तक यहीं पर है, शायद कोई इसका वारिस नहीं है, तो फिर ये हमें मिल गई है, तो हम इसको पालेंगे। अभी अगर आ गए कोई लेने तो उन्हें दे देंगे, नहीं तो इधर ये खाए पिएगी जो चीज़ इसको पसंद आएगी। ऐसे देखिए आवाज़ें सुने, ऊपर चढ़ी हुई है, वारे वारे।